अच्छा देहरादून का हॉस्टल है। घर से माँ का फोन आया था, अंगूर को गांव बुलाने का रट लगा है। हम दोनों तो कभी घर नहीं जाते, एक दिन की छुट्टी नहीं मिली, क्या करे। सप्ताह में रविवार होता है, सप्ताह का बकाया कार्य उसी दिन पूरा करना पड़ता है। अंकुर एक सप्ताह से घर पर है, उसकी छुट्टी समाप्त होने को है, माँ से मिलने की बात दूर रही। हम अपने पुत्र अंकुर के साथ भी पर्याप्त समय नहीं दे पाते। हम कार्यालय चले जाते हैं, दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। सच तो यह है कि हमारी व्यस्तता ने हमें रोबोट बना दिया है। संवेदना विहीन मशीनत हमारी जिंदगी की नियति बन गई। सीमा, इस मशीनी जिंदगी ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। हम परिवार के लिए जीते रहे, हमारा परिवार ही हमसे छीन गया। कहाँ है हमारा परिवार, अनार के दाने बन गए हम, ऊपर से एक भीतर से अनेक। माता पिता गांव में, पुत्र देहरादून स्कूल में, पुत्री कोटा में, तो क्या परिवार का पति पत्नी होता है। जीवन तो हम लोग ऐसा ही जी रहे हैं। माँ बाबू जी गाँव में है, हम दोनों पटना में है। कल अंकुर और आकृति की शादी हो जाएगी, वे दोनों अपने अपने जीवन साथी के साथ शहर में बस जाएंगे। भला हो इस इलेक्ट्रॉनिक युग का जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रखी है। पर्व त्योहार में हम इकट्ठा हो नहीं पाते, शादी विवाह में एकत्रित हुआ औपचारिकता के भार से अभिनेता दब जाती है। किसी के पास समय नहीं होता, हर कोई भाग रहा है, भाग रहा है। सीमा, पहले हम परिवार के सूत्र में बंधे थे, अब समय ने हमें अपने सूत्र में बांध लिया। आज न हम अपने माता पिता के संतान रह गए, न अपने संतान के माता पिता। हम तो बस इस अर्थ युग में समय का गुलाम बनकर रह गए, समय का गुलाम। पापा, आज मेरा क्रिकेट मैच है, मुझे फुलवारी शरीफ की टीम की ओर से खेलना है। अंकुर, मंगलवार को तुम्हें देहरादून लौटना है, तुम्हारी दादी तुम्हें गांव बुला रही है, एक दिन के लिए गांव चले जाओ बेटे। ओह डैड, दैट नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेरे सारे मित्र होली की छुट्टी में पटना आए हैं, छुट्टी के बाद वे सभी अपने अपने स्कूल चले जाएंगे। मैं इस कोल्ड्रेन पीरियड से एक भी सेकंड शेयर करने के मूड में नहीं हूँ। अरे, वह दो पल तुम्हें निहारने के लिए छटपटा रही है, दिवाली में प्रतीक्षा करती रही तुम नहीं गए, छठ में प्रतीक्षा करती रही तुम नहीं गए, मकर संक्रांति में तुम देहरादून से ही नहीं आए। उन्हें विश्वास था कि होली की छुट्टी के बाद तुम गांव जरूर जाओगे। हाँ, पिछले वर्ष समर वैकेशन में उन्होंने तुम्हारे लिए आम, लीची, जामुन संयोग कर रखा था। जानते हो अंकुर, गर्मी की छुट्टी के बाद जिस दिन तुम देहरादून गए, उसी दिन शाम को गांव से जी बच आम, लीची और जामुन लेकर आया था। हाँ, जब उन्हें लगा कि तुम गांव नहीं जाओगे, तो उन्होंने तुम्हारे लिए छुट्टी के अंतिम दिन फल भेज दिए थे। मम्मी, कल मेरा प्रोग्राम प्रिंस, राहुल, बंटी और कैंडी के साथ गंगा में बोटिंग का है। आज क्रिकेट मैच है, परसों बाहर पार्क और जू जाने का प्रोग्राम है। मैं अपने मित्रों को छोड़कर गांव नहीं जा सकता मम्मी। अरे, गांव में तुम्हारे चचेरे भाई हैं, पड़ोस के लड़के हैं, उनके साथ खेलना। डैड, डोंट बी सेंटिमेंटल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय नीड्स एंड फीलिंग आल्सो, हैव अटैचमेंट्स विद माय अर्बन फ्रेंड, नॉट टू दोस रस्टिक बॉयज। एक दो दिन तो गांव रह ही सकते हो तुम। क्या करूंगा गांव में, भोला, लक्ष्मण, राम, सूरत के साथ आम के बगान में गिल्ली डंडा खेलूंगा, गवाई भाषा में बात करूंगा, जामुन के पेड़ पर चढ़ूंगा। मेरा मित्र राहुल आरके मिशन का छात्र है, प्रिंस नेत्रहाट में अपने वर्क का टॉपर है, हर्ष ज्ञान भारती का छात्र है। आई कांट स्पॉइल अ सिंगल मोमेंट ऑफ होली वेकेशन इन माय विलेज, आई एम सॉरी मॉम, सॉरी पापा। तुम जिद्दी हो गए अंकुर। एक बात पूछूं मम्मी? पूछूं? तो आप दोनों दादा दादी से मिलने गांव क्यों नहीं जाते? हमारे पास समय नहीं है बेटे, इस अर्थ युग में समय सिर्फ निकम्मों के पास है। हम अपने जीवन का एक एक सेकंड का उपयोग अर्थोपार्जन के लिए करते हैं।
आकृति माँ, तुम्हारे दादा दादी के लिए गांव पैसे भेजता हूँ, आकृति के लिए कोटा पैसे भेजता हूँ, यहाँ घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, तुम्हारे पढ़ाई के लिए देहरादून पैसे भेजता हूँ। पैसा जुटाने के लिए मशीन बन जाना पड़ा बेटे। एक बात पूछूंगा मैं। पूछो। आप दोनों पैसा कमाने के लिए जीवन जीते हैं या जीवन जीने के लिए पैसा कमाते हैं? हाँ मम्मी, हाँ डैड, पैसा कमाने के लिए जीवन या जीवन के लिए पैसा? इस प्रश्न का उत्तर सोच कर रखिएगा, हम शाम में मिलेंगे, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। आपने देखा कि कैसे लालसा उम्मीद लगाए बैठी है कि मेरा बेटा आएगा, मेरी बहू